बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी. दून साहित्य समागम के इस सुंदर संगम में हमें आपकी वाणी को सुनने को मिला. आपका हार्दिक धन्यवाद. सही अर्थों में साहित्य का मुख्य प्रयोजन मानवीय संवेदना का विस्तार और प्रचार प्रसार करना है. साहित्य व्यक्ति को व्यक्तिगत से सार्वजनिक करता है. आज के इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री वीरेंद्र रावत जी, संस्थापक ग्रीन स्कूल मूवमेंट इंडिया. श्री वीरेंद्र रावत इज द फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड बाय द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैसाचुसेट्स एट बोस्टन यूनिवर्सिटी USA for making green preference in India. He is the first Indian nominated by Government of India for $50,000 UNESCO Japan Prize for Sustainability in Education 2015 and many more. Namo Nivedan Shri Virendra Rawat ji se ki hamare aaj ke is aayojan ke upaksh mein apne kuch vichar humse saajha kare Shri Virendra Rawat ji. Aur sahitya jo kala hai इज अ साइंस ऑफ लाइफ. मैं शिक्षा केंद्र चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ आर्ट इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन. आर्ट इज द साइंस ऑफ एजुकेशन. कला कला ही जो है शिक्षा का विज्ञान है. विज्ञान हमको कई बार गलत रास्तों पर ले जाता है. हम विज्ञान के कारण हमने एटम बम भी बनाए हैं, काफी सुविधाएं देता है. और विज्ञान हमेशा गतिशील रहता है, बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स एंड दैट कीप चेंजिंग, जो हर समय चेंज होता रहता है. लेकिन कला है वो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, अपने आप से जोड़ता है, सुकून देता है, रोने को मजबूर करता है, हंसने को मजबूर करता है और खुश होने को मजबूर करता है. दैट अलाउ यू टू लिव अ लाइफ. जो साहित्य सम्मेलन है भारत में, साहित्य आजादी से पहले तो प्रकाशित नहीं होने दिया गया और आजादी से जो बाद में प्रकाशित हुआ वो उतना ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित रहा है. इसलिए हमारा अभ्यासक्रम जो हम लोग पढ़ाते हैं वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं आता है. फिर हम लोग डिग्री लेके अपने अनुभव से जो सीखते हैं वो हमारे काम आते हैं. इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ग्रीन करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है जो प्रकृति के नियम के आधार पर चलता है. एंड उसके कारण कोई विद्यार्थी व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकता है और वो इस दुनिया के लिए एक एसेट बनता है, ना कि एक लायबिलिटी. वो रोजगार के लिए नहीं तरसता है, रोजगार पैदा करता है. तीसरा, वो समाधान का भाग होता है, समस्या का भाग नहीं होता. हमारे देश में बहुत सारे बच्चे, हम लोग बोर्ड परीक्षाएं देते हैं और बोर्ड परीक्षा के कारण हमारे देश की सरकार को मालूम पड़ जाता है कितने बच्चे बुद्धिमान बच्चे हैं. उसके कारण फिर उन बच्चों को के लिए नौकरी तैयार की जाती है और फिर उनको सरकारी सिस्टम में लाया जाता है और फिर उन बुद्धिमान बच्चों का उपयोग देश के काम नहीं आता, फिर वो सरकार के काम आता. मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ. मेरी प्राइवेट स्कूल राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, सरकारी स्कूल सरकार के प्रति समर्पित होती है. मोस्ट ऑफ जो हमारा पहाड़ी जो लिटरेचर है, जब मैं पहाड़ में रहा, मैं 5वीं 12वीं तक की पढ़ाई की, तो वो जो ज्ञान मुझे मिला, वो जो आत्मविश्वास मुझे मिला, वही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है. उसमें ही ईश्वर का रूप है, उसमें कोई मिलावट नहीं है. और जब हम लोग साहित्य की बात हिमालय में करते हैं, पहाड़ में करते हैं, तो उससे अच्छी कोई जगह ही नहीं होती. मोस्टली पश्चिम के लोग बोलते हैं ज्ञान पश्चिम से पूरब की ओर आया. ऐसा उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, हमारा ज्ञान को ले जाके हमको पैकेजिंग करके वापस दिया गया. खाली इतना नहीं कर पाया कि सूरज को पश्चिम से नहीं उगा सके, नहीं तो वो भी ऐसा बोलते कि भाई सूरज ही पश्चिम से उगता है. ज्ञान की उत्पत्ति पूर्व से ही हुई है, भारत से हुई है और भारत ही ज्ञान का एक केंद्र रहा है और आगे भी है, आज भी है. कई बार हम लोग नहीं मानते हैं, वो अलग बात है. कई लोग ईश्वर को भी नहीं मानते, इसका मतलब नहीं ईश्वर नहीं. कई लोग भारत को विद्वान नहीं मानते, इसका मतलब नहीं भारत विद्वान नहीं. पूरी दुनिया की अपेक्षा भारत से है और भारत की अपेक्षा उत्तराखंड से है. उत्तराखंड की जो संस्कृति और संस्कार है वही तो विज्ञान है, वही तो ज्ञान है.
क्योंकि हमारा हर सुबह से उठते शाम तक हम लोग प्रकृति के नियम का ही पालन करते हैं, हम लोग प्रकृति के किसी नियम का भंग नहीं करते, ये हमारे संस्कारों में हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। और आज हर व्यक्ति उत्तराखंड आने के लिए अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। हमारे पूर्वजों ने हमको कोई डिग्री नहीं दी, एक ही डिग्री दी, वो डिग्री है ईमानदारी की डिग्री, उसी ईमानदारी के कारण हमको पूरी दुनिया में जाना जाता। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पर माउंटेन क्लास में ले जाता हूँ, एक यहाँ स्कूल है अमेरिकन स्कूल, वुडस्टॉक स्कूल करके यहाँ पर है, मसूरी में है, मैं उनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा था। व्हाट दे से टू मी, सर वी आर नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज वी लर्न अमेरिकन करिकुलम, बट वी आर इंटेलिजेंट बिकॉज वी आर इन गढ़वाल रीजन। वो लोग सफल इसलिए है कि वो इस वातावरण में रहते हैं, सफल इसलिए है कि इस वातावरण में पढ़ते हैं, और इस वातावरण में पढ़ के हमारे दिमाग में शुद्ध विचार ही आते हैं जो विश्व के काम आते हैं। हमारे छोटे छोटे जो हमारे पुराने गाने हैं, छोटी कविताएं, भले उनका पब्लिकेशन नहीं हुआ हो, वो पब्लिशर के लिए उपयोगी नहीं रही हो, हम लोग हिंदी को एक भाषा मानते हैं, हिंदी एक नॉर्थ इंडियन एलिमेंट्स का एक रूप है, संस्कृत है जो देश को जोड़ती है, और संस्कृत ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी का हर भारत के हर क्षेत्र में सम्मान नहीं, लेकिन संस्कृत का हर विश्व के हर कोने में सम्मान। उत्तराखंड तो एक देवभूमि है, यहाँ संस्कृत को राष्ट्र मतलब राज्य भाषा का दर्जा भी दिया गया है, तो यहाँ से हमको संस्कृत की शुरुआत करनी चाहिए। और संस्कृत ही ऐसी चीज है, अगर आपको संस्कृत आती है तो आप दुनिया की किसी भी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये भाषा प्रकृति की, इमोशन से, वैल्यू से, कला से, ये किसी उधार की भाषा नहीं। हिंदी में काफी शब्द उर्दू के हैं, काफी शब्द संस्कृत के हैं, काफी किसी और चीज के हैं, अंग्रेजी में भी ऐसा ही। हमारे अपनी गढ़वाली भाषा छोटी बोली है, हम लोग उसको समृद्ध नहीं कर पाए, हम लोग उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाए, जबकि उसकी जो आप गहराई से जब उसको बोलते हैं तो आपके मन को एक संतोष महसूस होता है। यू कम्युनिकेट 100%, एक ही शब्द में आप काफी कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं। संस्कृत भी ऐसी भाषा है, एक ही शब्द में आप हजारों शब्द को कम्युनिकेट कर देते हैं, जबकि और भाषाओं में आपको कम्युनिकेशन के लिए काफी लंबा लिखना पड़ता है। मेरा अपना जो अनुभव है, जो मेरी स्कूल की लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, सबसे कम उपयोग होने वाली जगह का, मैं जब अपना ऑडिट करता हूँ स्कूल का ऑडिट, भाई किस जगह का विद्यार्थी सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, प्लेग्राउंड का है, लेबोरेटरी का है, लाइब्रेरी का है, सबसे कम उपयोग अगर विद्यार्थी करता है वो करता है लाइब्रेरी का। अगर लाइब्रेरी में कंटेंट होता तो विद्यार्थी नहीं जाता। हम लोग यहाँ स्कूलों या कॉलेजों के बाहर देखते होंगे, बच्चे कैंटीन में ज्यादा खड़े रहते हैं, क्लासरूम में कम रहते हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसा क्यों है, जिस दिन क्लासरूम का वातावरण कैंटीन के वातावरण से अच्छा होगा बच्चा क्लासरूम में जाएगा, जिस दिन हमारा कंटेंट लाइब्रेरी में अच्छा होगा उस दिन बच्चा लाइब्रेरी में जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो राइटर है वो पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, साहित्य कभी बेचने के लिए लिखा जाता, पढ़ने के लिए लिखा जाता। तो जब मैं बुक खरीदता हूं, मैं कम से कम 20 से 25 लाख का हर साल बुक खरीदता हूं, लेकिन उसका उतना उपयोग, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना उपयोग हमारे बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि हमको सीबीएसई को बोलना पड़ता है, यूजीसी को बोलना पड़ता है, भाई हमारे पास इतने सारी बुक्स हैं, बच्चे कई बार इश्यू भी करते हैं, वापस भी नहीं देते, पढ़ते भी नहीं। जब अगर उनको रिव्यू मांगा जाए कि भाई आपने एक बुक ली उसकी रिव्यू क्या है, उनको पता नहीं होता। तो साहित्य ऐसा मेरा मानना है कि अगर उसको हम लोग रुचिबद्ध बनाए तो वही तो लाइफ है, साहित्य ही जीवन है। हेल्थ केयर मेरा अपना सिस्टम है, हमारे यहाँ फारूक साहब है वो दवाई बनाते, मैं ग्रीन स्कूल चलाता हूँ। ग्रीन स्कूल का ऐसी पद्धति है कि बच्चे बीमार नहीं होते, मेरे किसी स्कूल में भी बच्चे सिक लीव नहीं लेते,
क्योंकि ऐसा वातावरण नहीं है कि बच्चा बीमार हो। और हमने तो क्या हेल्थ केयर को इंडस्ट्री बना दिया, जो भी चीज उद्योग होती है उसमें फिर गुणवत्ता नहीं होती। तो हमारा साहित्य उद्योग नहीं होना चाहिए, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए, तो प्राण है। समाज का प्राण ही साहित्य है, एंड उस प्राण को अगर हम लोग समृद्ध नहीं करेंगे या उसके प्रति हम लोग ज्यादा सजग नहीं होंगे तो हमारा जीने का कोई मतलब नहीं है, जीने में मजा नहीं आएगा। साहब ने बोला कि इस क्या नाम है देहरादून जो है वो साहित्य की नगरी है, कल्चर का यहाँ पर वातावरण बहुत अच्छी बात है। देहरादून ने कई लोगों को दिशा दी है, हमने बहुत सारे देश के में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दी है। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारा क्षेत्र उत्तराखंड भाग्यशाली है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनमें से हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं उत्तराखंड से संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। और हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली है कि हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं या यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग ही पूरी दुनिया के संस्कृति के केंद्र भी है, शुरुआत भी हमसे होगी और बचाना भी हमको है, इसलिए जवाबदारी भी हमारी ही ज्यादा है। हमको अपने प्रति सम्मान गर्व होना चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ दिस रीजन, है ना। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि भगवान ने मुझे इस क्षेत्र में जन्म दिया, इससे बड़ा भाग्य सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अच्छे संस्कार दुनिया में, ये इंक्लूसिव संस्कार है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। आप देखे होंगे पश्चिम शास्त्र में हम लोग पढ़ाते हैं एमबीए में मिशन विजन गोल होता है, हमारे यहाँ मिशन विजन गोल मीन्स अगर हमारा कंपनी का मालिक सफल है सुखी है तो पूरी कंपनी सुखी होगी। हमारे यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ को एग्जिस्टेंस, हमारी संस्कृति को एग्जिस्टेंस की, हमारे भगवान शंकर जो है हिमालय में रहते हैं, उन्होंने भूख पे जो है विजय प्राप्त की है, उनका वाहन क्या नाम है नंदी है, इसके अलावा भगवान पार्वती का वाहन जो है सिंह है, उनके गले में क्या नाम है भगवान के शंकर के गले में सांप है, और गणपति जी का वाहन मूसक है। एक दूसरे का भोजन होने के बावजूद भी एवरीबॉडी कोएग्जिस्ट, दैट इज द कल्चर, उसी को संस्कृति बोलते हैं, और वही तो साहित्य है। साहित्य जो अपने मन आपके मन को संतोष दे एंड सो परिपूर्णता के प्रति आपको आगे ले जाए, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं बहुत बड़ा साहित्यकार ना हूं, एक स्कूल चलाता हूं, एजुकेटर हूं। आई एम श्योर दैट कि आपके मेरी बात का अगर किसी को कुछ कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगा, बट आई विश दैट कि हमारे साहित्य को बढ़ावा मिलना चाहिए और साहित्य में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है,